So can you get your perfect looking hairline back with hair transplant surgery? See, receding hairline or even bald patches right in front of your face can be a real confidence killer. और उसमें भी अगर यंग एज में आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। और ये हेयर लॉस प्रॉब्लम की सबसे बुरी चीज़ ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ सीरम हो गए, शैम्पूज हो गए, ऑयल हो गए, इवन हम बहुत सारी मेडिसिन भी पीते, बहुत टाइम तक, महीनों तक, सालों तक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। एंड द थिंग इज़ इन द एंड दे प्रोवाइड द टेम्पररी सॉल्यूशन और समटाइम ये काम भी नहीं देते एंड लिव्स अस विद द फ्रस्ट्रेशन, राइट? तो देखिए, बट लेट मी टेल यू वन थिंग वर्क्स फॉर श्योर व्हेन इट इज़ डन ऑन राइट पर्सन एट अ राइट टाइम एंड दैट इज हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट वर्क्स लाइक वंडर। जैसे मैंने बताया, राइट पर्सन को राइट ट्रीटमेंट राइट टाइम पे मिल जाए तब। सो वॉन्ट टू नो how you can achieve your perfect looking hairline with hair transplant. So let's go and find out. तो अब हम बात करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप गाइड के बारे में, जिसको फॉलो करते हुए आप अपने जो हेयर के गोल्स है उसको अचीव कर सकते हो। सी, इट्स वेरी सिंपल, अच्छी प्लानिंग, अच्छा आउटकम। सो हम वन बाय वन सारे स्टेप डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी नेग्लिजिबल स्टेप, कि छठा जो स्टेप है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो सबसे कम किया जाता है और जिसकी वजह से अगेन आपको वही प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ स्टेप नंबर वन। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है वो है एक प्रॉपर रिसर्च एंड प्रॉपर कंसल्टेशन। तो क्यों एक इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से रिसर्च करें चीज़ों को? देखिए, यहाँ पर हमारा गोल है कि हमारे जो हेयर है उसको हम बचा के रखें, उसको सस्टेन करें, या फिर अगर चले गए हैं तो उसके लिए कैसे नया हेयर आपको मिल सकता है उसका रिसर्च करें। तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स पे जाना है कि आपके क्या गोल्स है, व्हाट डू यू वांट टू डू विथ योर हेयर्स। क्या आप जो है वो हेयर को सस्टेन करना चाहते हो कि आपके हेयर चले गए हैं, बॉल्ड पैचेस है और वहाँ पर आपको न्यू हेयर का ग्रोथ चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आपको ये रिसर्च करनी है, क्योंकि इसके ऊपर आपका सारा ट्रीटमेंट का जो प्लान है वो डिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ है, आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि क्यों चाहिए आपको, वाई डू यू नीड योर हेयर्स, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, क्या उससे आपका लुक इम्प्रोवाइज हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। सो इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि आपको पता चले कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर रिसर्च। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो आपको ये जानना है कि कब आपको वो गोल कब तक अचीव करने हैं, कब आपको वो चीज़ें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बोल्ड पैच है और आपके गोल्स आपको नहीं मालूम है तो वर्क नहीं करने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आपकी दो साल में मैरिज होने वाले है या एक साल में आपका मैरिज होने वाला है और आपको बोल्ड पैच है जिसकी वजह से आपके मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वो प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आज हेयर ट्रांसप्लांट करवाओगे और कल आपके पास ग्रोथ आ जाएगा। नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिज़ल्ट है वो 8 से 10 महीने लेता है, तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है कि आपको कब चाहिए। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू रिसर्च, कि क्या चाहिए आपको, क्यों चाहिए आपको और कब चाहिए आपको। जब एक बार आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाता है, दूसरा काम आपको जो करना है वो है कंसल्टेशन। प्लान योर कंसल्टेशन इमीडिएटली विथ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर। देखिए, काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि जब उनको हेयर लॉस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है वो रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बेस के ऊपर वो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट्स लेना शुरू करते हैं। कोई लोशन लगाना शुरू कर दिया, ऑयल लगाना शुरू कर दिया, शैम्पूज लगाने शुरू कर दिए। अब ये सब चीज़ों से होता क्या है कि आपका इसमें अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और सबसे इम्पोर्टेंटली आपका जो पैसे है वो वेस्ट होते हैं।
उसके सामने अगर आप अच्छे से कंसल्टेशन करके आप प्लान आउट करोगे आपका ट्रीटमेंट, तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपको बेनिफिट भी मैक्सिमम मिलेगा, और मेडिसिन से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो हो सकते हैं अगर वो मेडिसिन अगर अनसुपरवाइज ली जाए, तो वो होने का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। सबसे बड़ा जो कंसल्टेशन का आपको बेनिफिट मिलता है, वो आपको प्रॉपर असेसमेंट मिलेगा, आपको प्रॉपर गाइड मिलेगा कि आपको एक्चुअली में किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की ज़रूरत है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत है अगर मेडिसिन या हेयर ट्रांसप्लांट, तो उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर असेसमेंट मिलता है। यू वॉन्ट टू नो हाउ, लेट्स फाइंड आउट। तो स्टेप नंबर टू है एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बाय योर हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर। ड्यूरिंग कंसल्टेशन आपका प्रॉपर से आपके डोनर एरिया का, आपका रिसिपियंट का, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्या वो हार्मोनल है, वो न्यूट्रिशनल है, जेनेटिक है, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आपके जो सर्जन डॉक्टर है वो आपको एग्जामिन करेंगे, आपको असेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कंक्लूड होता है कंसल्टेशन के बाद कि आपका जो प्रॉब्लम है विच कैन बी रिवर्स्ड बाय यूज़ ऑफ मेडिकेशन, मेडिसिन से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही रही है, देन व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। और अगर हेयर ट्रांसप्लांट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, देन व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम मनी एंड एनर्जी टेकिंग मेडिकेशन। यू गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पर एनालिसिस से क्या पता चलेगा, असेसमेंट से क्या पता चलेगा कि एक्चुअली में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से आपको फिर ट्रैवल करना है, उस दिशा में आपको जाना है, ताकि आपको मिलने वाले जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम मिले। अगर हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांट की, तो वहाँ पर दो चीज़ों को, दो एरियाज़ को एग्जामिन किया जाएगा, दो एरियाज़ को असेस किया जाएगा। एक है आपका डोनर एरिया और एक है आपका रिसिपियंट एरिया। अब रिसिपियंट एरिया में बहुत सारी चीज़ें असेस की जाती है, जैसे कि आप कौन से ग्रेड में हो, आपको आपकी जो हेयर लाइन है वहाँ उसको कहाँ पर पोजीशन करना है, और कैसे आपका पूरा हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना है, कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी से आपको हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान करना चाहिए ताकि आपको जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम मिले। तो ये सारा जो चीज़ें है वो रिसिपियंट एरिया के लिए, और सेम चीज़ आपके डोनर एरिया में असेस की जाती है। जैसे कि आपका जो डोनर एरिया है उसकी क्वालिटी कैसी है, वहाँ पर क्या वो इनफ नंबर ऑफ हेयर्स अवेलेबल है या नहीं है, आपके हेयर की थिकनेस कितनी है, मोटे पतले कैसे, डार्क हेयर है, लाइटर हेयर है, पतले और लाइटर है, पतले और डार्कर है, तो ये सब चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है, और एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि चलो इसका प्रॉब्लम इतना छोटा है और इसके लिए हमें इतने नंबर ऑफ हेयर चाहिए, क्योंकि डोनर एरिया प्रिजर्वेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इतने से प्रॉब्लम के लिए आप अपना इतना बड़ा डोनर एरिया यूटिलाइज करोगे, यू डोंट नो हाउ वैल्यूएबल इज़ योर डोनर एरिया। इट्स नो मनी कैन बाय योर डोनर एरिया बिकॉज इट इज़ लिमिटेड, सो वी हैव टू यूज़ ईच एंड एवरी हेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन योर डोनर एरिया वेरी वेरी केयरफुली। स्टेप थ्री, हेयर लाइन डिज़ाइन बिफोर योर हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। तो देखो, हेयर लाइन प्लानिंग करना सर्जरी से पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग कंसल्टेशन आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के साथ डिस्कस कर सकते हो कि आपकी अपनी खुद की क्या इच्छा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपको वो बताना है, आपके डॉक्टर वो समझेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक अच्छी हेयर लाइन प्लान करेंगे कि आपकी हेयर लाइन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कितनी नीचे होनी चाहिए, कितनी ऊपर होनी चाहिए, कौन सा परफेक्ट पॉइंट है, वहाँ से ही आपकी हेयर लाइन होनी चाहिए, हेयर लाइन का शेप कैसा होना चाहिए, यू शेप, राउंड शेप, वी शेप, टेम्पल्स एंगल की आपको जो फ्रंटो टेम्पोरल्स एंगल्स होते हैं उसकी आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कम डेंसिटी होगी तो भी अननेचुरल लुक आएगा, हैवी डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी होगी तो भी अननेचुरल लुक आएगा। तो आपके हेयर का के कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, जो डोनर से लेने वाले है उसका टेक्सचर कैसा है,
थिकनेस कैसी है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी जो हेयरलाइन है उसकी डेंसिटी हमें डिज़ाइन करनी है। और उसके साथ साथ आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी एज क्या है, कम एज है, यंग एज में हेयरलाइन कोई डिफरेंट लेवल पे होती है, ओल्ड एज में हेयरलाइन कोई डिफरेंट लेवल पे होती है, आपके गोल्स क्या है, कितने टाइम का हमें जो डिस्टेंस है वो निकालना है बीच में। फॉर एग्जांपल आप 25 इयर्स के हो तो पीछे 25 टू 30 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन है जिसको ध्यान में रखते हुए आपकी हेयरलाइन प्लान करनी है। आपकी एज 45 इयर्स है तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको हेयरलाइन प्लान करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आपको इंसाइट्स देती है ड्यूरिंग योर कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट हाउ इम्पोर्टेंट हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेशन कैन बिकम। और विद इन दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर फेशियल फीचर्स कि आपके फोरहेड की साइज़ कितनी है, ग्लेबल आप मिडल पॉइंट से आपके टिप ऑफ द नोज ये डिस्टेंस कितना है, टिप ऑफ द नोज से आपका जो पॉइंटेड चीन है उसका डिस्टेंस कितना है, ये छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको हेयरलाइन प्लान आउट करना है। क्यों प्लानिंग करना है, बिकॉज दिस प्लानिंग विल गेट यू टूवर्ड्स योर गोल्स गेटिंग नेचुरल लुकिंग हेयरलाइंस, राइट। यू वॉन्ट योर नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन, दिस इज वॉट यू नीड टू डू। सो चौथा स्टेप है हेयर ट्रांसप्लांट कि हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है और कैसे होता है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो बेसिकली तीन चीज़ों में डिवाइड होता है। एक होता है एक्सट्रैक्शन, मतलब कि जहाँ से हम हेयर निकालते हैं वो प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। एक होता है स्लिटिंग, जो चैनल्स बनाई जाती है, और तीसरा होता है इम्प्लांटेशन, जहाँ पर आपके हेयर वापिस रिसिपिएंट एरिया में लगाए जाते हैं जहाँ पर आपको हेयर लॉस हुआ है। सो तीन एरिया में आपका हेयर ट्रांसप्लांट डिवाइड होता है, एक्सट्रैक्शन, स्लिटिंग एंड इम्प्लांटेशन। एक एक एरिया के बारे में छोटी छोटी बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करता हूँ। देखिए एक्सट्रैक्शन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कितनी डेंसिटी है, नंबर ऑफ हेयर्स कितने हैं। दूसरी चीज़ कि आपका जो पर्टिकुलर एक हेयर है उसकी थिकनेस कैसी हो, क्या वो पतला है, क्या वो छोटा है, क्योंकि मोटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी से हम उसको बाहर निकालेंगे। एक्सट्रैक्शन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा पंच हम यूज़ करेंगे, 0.8 मिलीमीटर का करेंगे, 0.9, 1 मिलीमीटर, 1.2। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि बड़ा पंच यूज़ करेंगे तो ज़्यादा डैमेज होगा तो हम छोटा पंच से सर्जरी करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए पंच की साइज़ और स्कार की साइज़ में आपको नहीं जाना है, क्योंकि मान लो आपका एक ऐसा हेयर है और हम 0.1 मिलीमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बड़ा है तो वो ज़्यादा डैमेज ऑब्वियसली आपको करेगा। उसके सामने हम 0.8 मिलीमीटर का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब किसी के हेयर कैसे होते हैं, ऐसे एक एक रूट में से तीन तीन बाल आते हैं, ज़्यादा जगह रोकते हैं, ऐसे फैलते हैं, तो ऐसे में अगर हम 0.8 मिलीमीटर यूज़ करेंगे तो दो हेयर बाहर आएंगे, एक कट जाएगा। तो इसमें हमें बड़ाई यूज़ करना है ताकि जो एरिया है उसको अच्छे से वो बाहर ले सके, आपके ग्राफ्ट को अच्छे से बाहर ले सके। तो इसे स्कारिंग और इसमें आपने नहीं जाना है, आपको आपके हेयर कैसे है उसके हिसाब से आपके जो सर्जन डॉक्टर है वो पंच डिसाइड करेंगे कौन सा पंच यूज़ करना है, कौन सी क्वालिटी का पंच यूज़ करना है। दूसरी चीज़ होती है रोटेशन मेथड भी होती है, वाइब्रेशन मेथड भी होती है, दोनों मेथड से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अगेन वो डिपेंड करता है कि आपके हेयर की थिकनेस कैसी है, क्या वो ज़्यादा थिन है, वाइब्रेशन बहुत हेल्पफुल है, अगर वो थिक है तो आप रोटेशन मेथड से भी हेयर ट्रांसप्लांट एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। दूसरा है जो स्लिट्स बनाए जाते हैं, चैनल्स बनाए जाते हैं, तो वो कैसे बनाने हैं, कौन से एंगल से बनाने हैं, कौन से डायरेक्शन से बनाने हैं, ये सब चीज़ें छोटे छोटे ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन आपके एग्जिस्टिंग जो हेयर है, जो हेयर प्रेजेंट है जोन में, उसको डैमेज ना हो उसको ध्यान में रखते हुए कैसे इम्प्लांटेशन करना है, और आपके एग्जिस्टिंग और न्यू ग्रोइंग हेयर को कैसे अच्छे से मर्ज करना है ताकि आने वाला जो रिजल्ट है वो नेचुरल दिखे। अगर आपके पुराने बाल अलग दिखेंगे, ट्रांसप्लांट किए हुए बाल अलग दिखेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा ना, वो नेचुरल नहीं दिखेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सट्रैक्शन में हम इम्प्लांटेशन के दौरान आपके जो सर्जन डॉक्टर है उसका एक्सपीरियंस स्किल बहुत अच्छी हो। पांचवा स्टेप है रिकवरी एंड रिजल्ट्स आफ्टर योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो देखिए FUE जनरली है ना फास्टर हील करता है, फास्टर रिकवर करता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्या करना है कि आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर ने पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए उसको आपको फॉलो करने हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्जरी होने के बाद आप अपने जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से फॉलो करो,
क्योंकि अदरवाइज वी माइट एंड अप गेटिंग डैमेज्ड अवर न्यूली ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। बहुत मेहनत से हमने ट्रांसप्लांट किया होता है, उसको हम डैमेज नहीं होने देंगे। सो यू हैव टू फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस। तो अब बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो आने वाला रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेता है। तो यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आपको हेयर वॉश करवाना होता है, उसके बाद शेडिंग फेज होता है जो अप टू 3 मंथ, 3 महीने तक वो शेडिंग फेज चलता है, जहाँ पर आपके ट्रांसप्लांट किए हुए नए नए जो हेयर है वो गिर जाते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से। रेंडम प्रोसेस है, डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका ग्रोथ साइकिल शुरू होता है, जहाँ पर आपके धीरे धीरे सारे हेयर जो ट्रांसप्लांट किए हुए हेयर है वो ग्रो करना शुरू करते हैं, दिखना शुरू होते हैं, और ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ 8 to 10 months आपको एक अच्छा गुड विजिबल रिजल्ट्स दिखता है जो आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है उसका, जहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाती है। एंड इट टेक्स अप टू 16 to 18 months टू गेट द 100% रिजल्ट ऑफ योर ट्रांसप्लांटेड हेयर। तो अब हम बात करते हैं स्टेप 6 के बारे में, जो मैंने बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही नेग्लेक्टेड है, और इतना हो जाने 5 स्टेप तो सब कर लेते हैं, लेकिन ये 6th स्टेप है ना वो बहुत कम लोग करते हैं, और वो है फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। फॉलो अप तो और भी बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जो ये मेंटेनेंस वाला पार्ट है ना वो बहुत लोग नहीं करते, ज़्यादातर लोग नहीं करते एक्चुअली में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फॉलो अप के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब आ गया। अगर आपको रिजल्ट आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये रिजल्ट आपके साथ हमेशा के लिए एज इट इज़ रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं फॉलो अप की बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से रिकवर करने के लिए सर्जरी के बाद, और दूसरा कि आपको जो भी हो रहा है वो प्रोग्रेशन को मॉनिटर करना है। वो कौन करेगा? आपके जो डॉक्टर है वो करेंगे। तो आपको अच्छे से फॉलो अप लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ वो मेंटेनेंस है, वो बिल्कुल भी ऐसे 0.00001% लोग होते हैं ना वो मेंटेनेंस करते हैं, उसके सिवा लोग नहीं करते। सी, किसको हमें मेंटेन करना है? क्या ट्रांसप्लांटेड हेयर को मेंटेन करना है? नहीं, सिर्फ ट्रांसप्लांटेड हेयर को नहीं, उसको तो आप थोड़ी थोड़ी केयर करते रहोगे तो भी वो ग्रो करेंगे, तो भी वो अच्छे रहेंगे। केयर करनी है, मेंटेन करना है आपको आपके एग्जिस्टिंग हेयर के, जो आपके पुराने हेयर है ना उसको आपको मेंटेन करना है। ज़्यादातर जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज परफॉर्म होती है वो इनिशियल ग्रेड में की जाती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो उस टाइम पे आपको 100% बॉल्डनेस नहीं हुई होती है, जहाँ पर बॉल्डनेस हुई है वहाँ पर ही आपको हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसे ग्रेड 1, 2 की बात करें तो हेयर लाइन ही की है, तो बाकी के बालों का ध्यान कौन रखेगा? उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो वहाँ से चले जाएंगे, और वो वहाँ से चले जाएंगे तो फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका डोनर एरिया ही नहीं है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं कर पाओगे, फिर आप क्या करोगे? सो इट्स बेटर दैट यू लर्न How to save your natural hairs. Nothing in this world, nothing can save your natural hairs, because they are not replaceable. They can't be substituted by anything, not even hair transplant. Hair transplant is a redistribution process of your own hair. 5000 बाल है आपके सर में, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद वो 5000 ही रहेंगे, इवन कम हो जाएंगे, लेकिन वो 6000 नहीं होने वाला है। यू गेट माई पॉइंट? तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ डाल रहे हैं, नंबर ऑफ हेयर सेम है। तो रिमेंबर, गेटिंग अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर योर हेयर लॉस प्रॉब्लम रिक्वायर्स सो मेनी थिंग्स। फर्स्ट इज कि आपके जो डॉक्टर है उसका स्किल और एक्सपीरियंस, दूसरी चीज आपके हेयर का जो ग्रेड है वो क्या है, लॉस का ग्रेड क्या है, कितनी प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना, एंड योर ओन हेयर के कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, पतले है, मोटे है, ग्राफ्ट कैसे है, ये बहुत सारी चीज़ है जिसके ऊपर आपका जो पूरा सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है। सो यू गेट माई पॉइंट? हाय, माई सेल्फ डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सूरत इंडिया। आफ्टर डूइंग थाउजेंड्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड इम्प्लांटिंग मोर देन अ मिलियंस ऑफ हेयर फॉलिकल, आज मैं आपके सामने ऑलरेडी बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। कैन यू गेट योर हेयर लाइन बैक विथ हेयर ट्रांसप्लांट? सो इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू यू फॉर टुडे। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है
हेल्प की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो, आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे फॉर 100% श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सी यू सून।